मैं आपको सच बता रहा हूं कि मुझे हर रोज मेरे मां बाप याद आते हैं। पता क्यों याद आते हैं? कि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड है मेरा, मैं गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक है, एक छोटा सा कमरा होता था और मेरे बाप मजदूर आदमी था। वो जब पैसे लेके आते थे घर में 100 रुपया डेली कमाया करते थे और हम 8 बहन भाई खाने वाले होते थे। और मुझे क्रिकेट का जुनून का शौक था, मेरे पास बैट भी नहीं थे, मैं मैच खेलता करता था बगैर शूज के, मैच खेला करता था, अक्सर मेरे पांव फट जाते थे। मेरे बाप से ये देखा नहीं जा रहा था, उन्होंने मुझे फिर एक दफा बल्ला लेके दिया 350 का, आज भी मुझे याद है, और मुझे कपड़े लेके दिए, ट्राउजर लेके दिया ताकि मेरा बेटा क्रिकेट खेल सके। अक्सर मैं उनको छुप छुप के देखा करता था कि जब वो मजदूरी किया करते थे गल्ला मंडी साहिवाल में। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो मेरे बाप अक्सर जब शाम को मजदूरी करके घर आया करते थे, माय मदर आल्सो पास्ड अवे, यू नो माय मदर यूज्ड टू टेल कि बच्चों आज थोड़ी सी कम खाना, तुम्हारे अब्बा ने भी खानी है खाना। तो उस दिन अब्बा जी कहते थे, वाले साहब कहते थे कि आज मैं खा के आया हूं बाहर से, कितनी रातें मेरे बाप ने बगैर खाए हमारे लिए ताकि मुझे मेरा बल्ला मिल सके, मेरे कपड़े मिल सके, मेरी किताबों के पैसे मिल सके। कितनी दफा उन्होंने रात को बगैर रोटी खाए सोए होंगे, कितनी दफा मेरी वालदा ने अपने कपड़े नहीं बनाए, मेरी बहनों के कपड़े बनाए होंगे। आज मेरे पास से मेरे मां बाप चले गए हैं, आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, प्लीज, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल आफ्टर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल ऑन दिस वर्ल्ड बिकॉज आई डोंट हैव देम एनी मोर नाउ। इफ यू हैव देम, रिस्पेक्ट देम प्लीज, नेवर से देम कि डोंट कम टू माई मैटर्स, आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है, ये कभी ना कहना। कभी उनकी बात नागवार गुजरी तो खामोशी से इज्जत से बर्दाश्त कर लेना। सबसे फास्टेस्ट तरीन तरीका है कामयाबी का इस दुनिया में अपने माँ बाप की खिदमत करना। सो प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दिस इज माई मैसेज टू होल द पीपल हु आर लिसनिंग दिस।